So, hey guys, this is Bhai Abhan Darwal. आज वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि आपके लिए यार बेस्ट लैपटॉप क्या रहेगा. एज एन इंडिविजुअल यार मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ. मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन भी किया है और नॉर्मल यूजेज भी है. तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, सबका बजट अलग अलग होगा, सबकी नीड अलग अलग होगी. किसी के लिए हो सकता है कि सिर्फ कोडिंग के लिए चाहिए, किसी को हो सकता है सिर्फ कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए चाहिए, किसी को हो सकता है गेमिंग उसकी प्रायोरिटी हो. और मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हो रहे होंगे जिन्हें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करनी है. कि हो सकता है हम अपने कॉलेज के काम के लिए भी करें, हो सकता है कल को फ्यूचर में थोड़ा बहुत फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग भी उसमें कर लें, हो सकता है क्या थोड़ा बहुत गेम भी हम बेसिक खेल लें. तो इसी के साथ जनाब शुरुआत करते हैं. इस वीडियो के अंदर काफी सारी हमने स्लाइड्स बनाई हैं. डिपेंडिंग अपॉन आपकी रेंज क्या है, 20 से 30,000 की रेंज में आपको क्या क्या देखना चाहिए, 30 से 40,000 की रेंज में क्या क्या, साथ में मॉडल्स कौन कौन से हैं, और इनके साथ साथ यार काफी सारे अपग्रेड हैं जो कि लैपटॉप्स में हो जाते हैं, जो कि हम साथ साथ में बता रहे होंगे कि इस बजट के अंदर आप ये लैपटॉप ले लो और इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है रैम को अपग्रेड करने का, SSD को अपग्रेड करने का. तो वो साथ में हम यार आपको यहाँ पर बता रहे होंगे गेमिंग लैपटॉप वर्सेज अल्ट्रा बुक्स क्या डिफरेंसेज हैं, क्या चीज आपको देखनी चाहिए प्रोसेसर के अंदर जब आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर रहे हो, 40 से 50,000 की रेंज में यार क्या आपके पास अवेलेबल हैं. कुछ लोग हैं जिन्हें टच स्क्रीन वगैरह चाहिए होती हैं, स्पेशली इसमें वो बच्चे आ जाते हैं जिन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है. वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग चाहो तो आपके अलग से भी टच पैड आते हैं जो कि सस्ते होते हैं, 3 से 5,000 के अंदर आ जाते हैं, वो भी ऑल्टरनेटिव है, उनकी भी हम बात करेंगे. 50 से 60,000 के अंदर आपकी क्या रेंज है, और लास्ट में यार आपके गेमिंग लैपटॉप और एप्पल की जो नए MacBook Air आए हैं विद M1 चिप उनके बारे में बात कर रहे होंगे. इस वीडियो को यार आप ऐसे देखो कि मैं आप लैपटॉप्स को किस प्रकार से एनालाइज करना है वो आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ. तो तब तक के लिए चलते हैं. और किसी का भी कोई गलती से लैपटॉप मिस हो गया हो तो यार माफ़ कर देना बड़ा भाई मान के, ठीक है, कुछ हो सकता है मिस हो जाए, बाकी हमने बहुत अपना 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर. सबसे पहले यार जब भी आप लें, अगर मैं मान रहा हूँ कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एक आपके इंटेल के चल रहे हैं, एक आपके राइजन के चल रहे हैं, इनमें जनरेशंस होती हैं. क्या होता है उनका मतलब थोड़ी देर में समझ रहे होंगे. एक यार आपकी SSD क्या होती हैं आपकी, SSD यार आपकी स्टोरेज के लिए डिवाइसेज इस्तेमाल होती हैं जो कि काफ़ी फास्ट हैं अगर हम लेमैन तरीके से बताएं, एज़ कम्पेयर टू आपकी जो पुरानी हार्ड डिस्क होती थी. इससे आपका लैपटॉप जल्दी ऑन होता है, जल्दी ऑफ होता है. कॉपी पेस्ट आपको करना है वो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट हो रहा होता है, तो वहाँ आपको हेल्प मिल रही होती है. और आजकल यार हमें पेशेंस थोड़ा कम हो चुका है, हम चाहते हैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी खुले, तो वहाँ ये बहुत हेल्प करेगा. आपकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी खुल रही होंगी. रैम यार आपको मिनिमम 8 GB लेना चाहिए. अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि मल्टीपल चीज़ें साथ में करने वाला है, कि पता चला आप सर्च भी कर रहे हो गूगल पे, साथ साथ में आप कोडिंग भी कर रहे हो, साथ साथ में आपने कुछ सोशल मीडिया साइट्स भी खोल रखी है, तो ऐसे में 8 GB एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे चीज़ें आपकी स्मूथली थोड़ी चल रही होंगी. ऐसे में अगर आप कंटेंट क्रिएशन की साइट जाते हो तो विंडोज़ के अंदर 16 GB रिकमेंडेड होता है, एप्पल के अंदर 8 GB से भी काम चला जाएगा. और अगर आपको बस नॉर्मल काम करना है तो यार 4 GB, अगर आपका बजट कम है तो दिल छोटा नहीं करना, 4 GB से भी काम हो जाएगा. मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत बैचमेट्स थे जिन्होंने 4 GB 20-25,000 के लैपटॉप से बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ी हैं. तो थोड़ा स्लो हो सकता है, स्पेशली जब आप मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें उसके अंदर करोगे, एंड्रॉयड स्टूडियो खोलने की कोशिश करोगे, जब आप पर चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है. नेक्स्ट ईयर फिर आपकी होती हैं डिस्प्ले, डिज़ाइन एंड कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें के बारे में भी हम बात करेंगे. अब 20 से 30,000 का जो बजट है, ये एक ऐसा बजट है जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ मिलना मुश्किल है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या देखना है. ये एक ऐसा मॉडल है यार जो कि हमने आप लोगों के लिए छाटा है. आप चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेज कर लें, नहीं तो अगर आप ऑफलाइन भी इसे जाके परचेज कर सकते हैं. इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे यार हमने Ryzen 3 का प्रोसेसर है इसके अंदर जो कि काफ़ी है. अब एक चीज़ इस बजट के अंदर आपको यार डू नॉट बाय क्रोमबुक्स और लैपटॉप्स विद इंटेल पेंटियम सेलरॉन या एथलॉन, ये सारे जो आपके प्रोसेसर हैं ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, या फिर जो आपकी i3 जनरेशन के आपको काफ़ी सारे लैपटॉप मिलेंगे उनसे थोड़ा आप दूर रहें. राइजन का प्रोसेसर यार यहाँ पे काफ़ी सही रहेगा. अब इसके अंदर यार हमें 4 GB तो रैम मिल रही है, और साथ में आप अगर देखेंगे तो 1 TB HDD है. अब इस 1 TB HDD को आप चाहो तो 2,500 रुपये खर्च करना और 256 GB की SSD आप इसके अंदर लगा सकते हैं, मात्र 2,500 के अंदर. और जो आपकी ऑलरेडी अंदर 1 TB की HDD थी उसको आप एज एन एक्सटर्नल स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. उसका बस एक कवर केस लगा देंगे आपके दुकान वाले भैया, अगर पास में आपके कोई लैपटॉप की शॉप है उनके पास आप जाएंगे तो मात्र 2,500 से अगर आप इसमें खर्च करेंगे तो 30,000 के अंदर आपके पास एक अच्छी डिवाइस हो जाएगी.
नेक्स्ट चीज के ऊपर यार यहाँ में मैं जाना चाहूंगा, अगर आप 30 से 40,000 का लैपटॉप टारगेट कर रहे हो तो जो प्रोसेसर्स होने चाहिए, पहले हम ये देखें कि यही अगर सिस्टम आपके पास है कि अगर i3 11th जनरेशन है, ठीक है, या फिर आपका राइजन का थर्ड प्रोसेसर है, 4GB 8GB रैम आपको अवेलेबल है, अगर 4GB है तो उसको हम अपग्रेड करा लेंगे 8GB में। अपग्रेड कैसे, दोबारा आप लैपटॉप वाले भैया के पास जाते हो, वो आपका कर लेते हैं, नहीं तो आपके टूल्स होते हैं जिन्हें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आप अपने डिवाइस खोल सकते हो, पर वो तभी करना अगर आपने पहले प्रायर आपके पास एक्सपर्टीज हो, ठीक है, अपने लैपटॉप खोल के पता चला बाद में मैसेज कर रहे हो कि भैया खराब करवा दिया। स्टोरेज की अगर हम बात करें यार, मिनिमम 256GB SSD, 512GB SSD ये हमें यार प्रेफर करने हैं। 1TB अगर HDD है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे आपकी SSD या 512GB SSD के साथ। अब 30 से 40,000 वाले बजट के अंदर यार हमने 4 लैपटॉप आप लोगों के लिए छाटे हैं जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हो, और इसमें पहला है यार आपका Acer का Aspire 3, इसके अंदर i3 का 11 जनरेशन आपका प्रोसेसर है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, साथ में 4GB रैम है। ये रैम कम है तो हम इसको अपग्रेड करा देंगे, और वो मैंने नोट्स भी लिखे हैं आपके साथ में, अपग्रेड द रैम। साथ में यार 256GB आपको SSD मिल रही होगी इसके अंदर, और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। इसका अगर डिस्प्ले देखें तो 15.6 इंच का डिस्प्ले है। अब यार 15.6 डिस्प्ले की एक बात कर लेते हैं, अगर आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, ऑर्डिनरी आपका यूजेस है, कॉलेज वगैरह की आपको पढ़ाई करनी है, तो एक 13 से 14 इंच का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेजॉरिटी सिनेरियोज में 14 इंच का लैपटॉप होता है क्योंकि वजन कम होगा, ठीक है, इधर उधर मेट्रो में ट्रैवल करोगे लाइट लगेगा। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको यार वीडियो एडिटिंग ज़्यादा करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग ज़्यादा करनी है, तो फिर वो आपकी पर्सनल प्रायोरिटी हो सकती है कि आप 15 इंच का जो लैपटॉप है उनको देखें, क्योंकि ज़्यादा रियल स्टेट मिल रहा होगा आपको स्क्रीन के लिए और बेहतर प्रोडक्टिविटी आ रही होगी। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये यार आपका HP का है, इसके अंदर Ryzen 3 का प्रोसेसर है, प्रोसेसर अच्छा है, 8GB की यार आपको रैम दे रखी है, तो रैम अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, पर 1TB HDD है और हमें चाहिए SSD, तो हम रिप्लेस HDD/SSD। ये जो सारे लैपटॉप हैं इनके अंदर आप रिप्लेस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ये सुविधा उपलब्ध है। आप जैसे ही अपने पास वाले लैपटॉप वाले भैया के पास जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको YouTube पे भी काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे किस प्रकार से करते हैं, पर फिर कॉशन के साथ आपको करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें यार, तो एक हमें ऑप्शन मिलता है 14 इंच डिस्प्ले के साथ, स्क्रीन थोड़ी छोटी हो गई है, ये यार Asus का है, कोर i3 10th जनरेशन, प्रोसेसर थोड़ा सा कमजोर है, 11th जनरेशन नहीं है, 4GB जो रैम है उसको यार आपको अपग्रेड करना होगा, 8GB आप बना सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा ऊपर जाएगा पर फिर भी आप 40,000 के बजट के अराउंड ही होंगे। 512GB SSD है तो हमें SSD काफी ज्यादा स्पेस मिल गया है, और बाकी सारी चीजें यार आपकी ठीक है तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका Acer का Aspire 3, इसके अंदर यार 4GB रैम है और 1TB है, तो इस सिनेरियो के अंदर यार आपको दोनों ही बदलने पड़ेंगे, HDD और SSD दोनों अपग्रेड करने पड़ेंगे, तभी मैंने इसको फोर्थ नंबर पर रखा है। और डिस्प्ले भी 15.6 इंचेस का है, इसके अंदर यार इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी दे रखा है जो कि आपके गेमिंग के लिए थोड़ा बहुत ठीक होता है, जैसे ही आपका ग्राफिक कार्ड आ जाता है तो आप गेमिंग शॉट थोड़े हाई लेवल के कर सकते हैं। यहाँ पर यार मैं चीज़ें बड़े लेमन तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ये वीडियो बनाया था, और मुझे पता है आप में से काफियों को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है, और आप जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाएंगे हम भी थोड़ा डेप्थ में बात कर रहे होंगे, पर लेमन तरीके से हम हर बच्चे को कवर कर पाते हैं। गेमिंग लैपटॉप्स की अगर बात करें और अल्ट्रा बुक्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर यूज होता है विच इज फास्टर एज कम्पेयर टू U सीरीज। काफी बार आप अपना प्रोसेसर देखेंगे और उसके आगे एक बहुत बड़ा सा नंबर लिखा होता है, कभी कभी वो H से स्टार्ट होता है, कभी वो U से स्टार्ट होता है, तो H सीरीज के प्रोसेसर यार थोड़े सॉलिड होते हैं, गेमिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए बेटर है एज कम्पेयर टू द U सीरीज। अब यार ये दे आर इक्विप्ड विद पावरफुल GPUs, इनके अंदर GPU बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यार आपको ग्राफिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो गेमिंग लैपटॉप के अंदर 1650 1660 2060 इस तरह के आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहे होंगे। जो AAA टाइटल गेम्स हैं यार, जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव आपका यूजेस हो रहा होता है ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर और बैंड बच जाती है लैपटॉप की, उनके लिए यार आप गेमिंग लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यूं है यार मुझे स्ट्रीमिंग करनी है, गेमिंग तो मेरे को करनी ही करनी है, वो बच्चे को तो मच बेटर एट हैवी वर्कलोड्स। मान लो इन गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर यार आप वीडियो एडिटिंग भी करोगे, ठीक है, रेंडर रिलेटेड काम करोगे, एनिमेशन जा रही हैं, वो सारी चीज़ें भी यार काफ़ी अच्छी चल रही होंगी, बिना रुके आपकी चीज़ें चल रही होंगी। स्पेशली अगर आप 4K वीडियो के अंदर डील करना चाहते हो, वो काफ़ी हैवी फुटेज हो जाती है, काफ़ी हैवी होते हैं, वजन में भी बहुत हैवी होते हैं, तो ये एक यार इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। चार्जर जो होता है वो आपको लगा के रखना पड़ता है मेजॉरिटी सिनेरियोज में, तभी आपको फुल पावर मिलती है, तो ये एक तरह से लाइबिलिटी हो जाती है। बैटरी भी है वो उतने समय के लिए नहीं चलती, बहुत कम घंटों के लिए चल पा रही होती है। अब अल्ट्रा बुक्स हैं यार, दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर हैवी वर्कलोड, बहुत ही हैवी यूजेज करना है, पूरे टाइम ही एडिटिंग करते हो, दिन के दो वीडियो आपको रेंडर करने हैं, एनिमेशन के अंदर आप जा रहे हो,
तो यार अल्ट्राबुक्स थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर एप्पल, एप्पल का मैकबुक एयर जिसके अंदर M1 चिप आपकी यूज होती है, या प्रो हो गए जिनके अंदर M1 चिप यूज हो रही है, काफी सॉलिड चिप है और स्पेशली एडिटिंग वगैरह जैसी चीजें तो यार बहुत तेज निपटाता है वो, बहुत तेज निपटाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार 40,000 से 50,000 वाले बजट की। इसके अंदर यार आपको जो चीज़ें मिल रही होंगी, जैसे हमने कुछ दोबारा आपके लिए सिलेक्ट कर दिए हैं, ये HP का है, करीबन 14-inch डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हमारी साइड में है। साथ में i3 का 11th जनरेशन है, 8GB आपको रैम मिल रही होगी, 256GB SSD है, तो सारी चीज़ें हमारी रेंज में आते हुए तो ये भी एक बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम इसे चाहें तो 30,000 से 40,000 में भी पुश कर सकते हैं, क्योंकि जहां हम ऊपर अपग्रेड कर रहे थे 3,000 से 4,000 का, वो सारा सिस्टम आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है करीबन 41,000 की रेंज में। अगर हम नेक्स्ट देखें तो MI का नोटबुक है यार, इसके अंदर i5 प्रोसेसर है 10th जनरेशन, और ये बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू i3 का 11th। तो i5 का 10th जनरेशन विल परफॉर्म बेटर एज कम्पेयर टू i3 का 11th जनरेशन। 8GB रैम है, 256GB SSD है, और आपको करीबन 45,000 के अंदर जनाब ये मिल रहा होगा, और वही 14-inch का डिस्प्ले है, तो वो भी हमारे फेवर में है अगर हमारा ऑर्डिनरी यूजेज है तो। अब सिमिलरली 40,000 से 50,000 के रेंज में अगर आपको टच स्क्रीन वाले लैपटॉप चाहिए, वो जो कि एकदम टैबलेट बन जाते हैं घूम के, तो वहाँ पे भी यार आपके पास दो ऑप्शन हैं। ऑल्दो मैं ऑप्शन नंबर 1 को ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता और सेम ही फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो ASUS की यार वीवो बुक है, इसके अंदर i3 11th जनरेशन प्रोसेसर है, 8GB रैम SSD भी हो गई और 256GB SSD भी मिल गई, साथ में मात्र 14-inch का डिस्प्ले है, तो ये भी हमारे फेवर में हो गया। सेकंड ऑप्शन यार आपके पास HP का पवेलियन है, जिसमें आपका यही i3 का 11th जनरेशन, 8GB रैम, 256GB SSD, पर थोड़ा सा महंगा है, इसलिए हम फर्स्ट पे यार इसको रखा है, बेटर वैल्यू देन HP, कम पैसे में आपको सेम फीचर मिल रहे हैं। अब 50,000 से 60,000 की रेंज में यार हमारे एकदम से स्पेक्स काफ़ी बेटर हो जाते हैं। इसमें यार हमने कुछ ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला जो है यार वो आपका HP का है, इसके अंदर i5 11th जनरेशन मिल रही होगी, तो देख रहे हो हमारा प्रोसेसर एकदम से i3 से i5 हो गया। दिस विल बी बेटर देन Ryzen के जो हमारे कमजोर प्रोसेसर है उनसे बेटर होगा, फॉर अगर आपको सिर्फ बेसिक कैजुअल गेमिंग करनी है, ऑर्डिनरी यूजेज अगर आपको करना है, वही 8GB 512GB SSD यार आपको यहाँ पे मिल रही होगी, 14-inch का डिस्प्ले, तो ये भी हमारे साइड में है। साथ में यार दूसरा ऑप्शन है हमारा लिनोवो का आइडिया पैड। अब लिनोवो का जो आइडिया पैड है इसमें राइजन 5 हेक्सा कोर प्रोसेसर है, ये यार आपका बेटर हो जाता है इंटेल से फॉर वीडियो एडिटिंग एंड हैवी टास्क। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका है कि यार हाँ कोडिंग वोडिंग तो करनी है, पर साथ में हो सकता है कल को वीडियो एडिटिंग भी करूँ, थोड़े हैवी टास्क भी मेरे को करने हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके लिए ये बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू आपका ये जो HP है। और इनफैक्ट मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि इससे सस्ता है ये थोड़ा सा। साथ में यार अगर आप 50-60,000 के रेंज में जाएंगे तो ये 13.13-inch डिस्प्ले, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे और छोटा चाहिए, जैसे कि मैं, अगर वो मैं, मेरे को 13 inches और भी अच्छा लगता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो यार यहाँ पे आपका ASUS का वीवो बुक है, i5 11th जनरेशन आपको मिल रहा होगा, 8GB 512GB SSD, ये सारी चीज़ें हैं, 13.13-inch डिस्प्ले, और काफ़ी हल्का लैपटॉप है यार यहाँ पे। एक और अल्ट्राबुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको भी जनाब आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं कि भैया मुझे तो गेमिंग करनी है, अल्ट्रा बुक्स नहीं, मेरे को तो गेमिंग लैपटॉप्स बताओ अच्छे खासे, ठीक है, और उनमें कभी कभी हो सकता है, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए, अगर वीडियो एडिटिंग के लिए भी चाहिए यार, तो अगर अनटिल अनलेस आपको हैवी वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, तब तक आपको इनको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यूँ है कि यार मेरे को रोज कॉलेज लेके जाना है उस लैपटॉप को, तो अल्ट्रा बुक को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, पर आपको यूँ है नहीं यार मैं कॉलेज तो जाऊँगा पर रोज वीडियो एडिटिंग या गेमिंग भी करनी है, तब आप इनकी तरफ देख सकते हैं 50,000 से 60,000 की रेंज में। अब इधर यार आप देखोगे तो लिनोवो का आइडिया पैड आपको है, इसमें राइजन 5 हेक्सा कोर प्रोसेसर है आपको। अब ये जो 1TB HDD है इसकी जगह हम यार SSD से इसको रिप्लेस कर रहे होंगे। अगर आप देखोगे तो 15.6-inch का डिस्प्ले, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो ये बड़े होते हैं जनाब, और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आपको दे रखा है, बस आपको SSD अपग्रेड करनी पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखेंगे, और इसमें मैंने लिख भी रखा है बाय दिस वन, ठीक है, इसके अंदर यार आपको i5 10th जनरेशन मिल रहा होगा, पर ऑलरेडी इसके अंदर SSD है, कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, और बजट आप देखोगे तो सेम है दोनों का सेम बजट है। 4GB का इसमें ग्राफिक कार्ड दे रखा है, इसमें भी 4GB का ग्राफिक कार्ड आपको एडिशनल दे रखा है गेमिंग के लिए, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यार आगे 15.6-inch का वही डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। अब 60,000 से 75,000 के रेंज में जरा हमारे पास काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले यार हमारा है लिनोवो आइडिया पैड। अब इसके अंदर राइजन 7 प्रोसेसर है जिसके अंदर 8 कोर है, साथ में आपको 16GB रैम और 512GB SSD मिल रही है। थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा है 15.6 inches, काफी अच्छा यार आपको वैल्यू फॉर मनी है। सेकंड ऑप्शन देखें, स्क्रीन आपको छोटी चाहिए थी तो ये लो जी 13-inch का आपको डिस्प्ले है, लिनोवो योगा है, 2-in-1 लैपटॉप की तरह भी इस्तेमाल करो, इसके ऊपर लिख भी सकते हो आप सब सारी चीजें।
साथ में यार इसके अंदर आपका फिंगरप्रिंट रीडर है, फिंगरप्रिंट से यार आपका ये खुल जाएगा, और 8GB रैम 512GB SSD आपको यहाँ पे मिल रही होगी। यार यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप ऑनलाइन परचेज करें, थोड़ा महंगा है, तो आप अपना शॉप पे जाके भी ले सकते हैं, प्रॉपर आपको वहाँ पे हो सकता है बेटर डिस्काउंट भी मिल रहे हों। नेक्स्ट यार अगर हम देखें तो लिनोवो का आइडिया पैड गेमिंग है, और ये यार हमने स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए लिखा है, जैसे ये वाला लैपटॉप विल बी बेस्ट फॉर गेमिंग इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज, ये कन्वर्टेबल, और ये अगर आपको अल्ट्रा बुक चाहिए तो आप इसके लिए जनाब जा सकते हैं। अब ये हमारे पर्सनल हैं, ठीक है, अगर गलती से हमने बाकी को फुल कोशिश करिए कोई छूट गया हो तो यार उसके लिए सॉरी। इसमें अंदर यार आपको दिख रहा होगा राइजन 7 प्रोसेसर है, फिर से 15.5 इंच डिस्प्ले, 16GB रैम, 512GB SSD आपको मिल रही होगी, और 4GB का यार आपको एडिशनल ग्राफिक कार्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी यार प्यारी सी चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट यार अगर हम जाएं, अब हम आ गए हैं 75,000 से ऊपर की रेंज में, और ये डोमेन एक सिंगल लैपटॉप द्वारा बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, और वो है जनाब मैकबुक का मैकबुक एयर, जिसके अंदर M1 चिप है। M1 चिप वाले यार, नॉर्मल आपके पुराने इंटेल वाले नहीं, M1 चिप वाले बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट हमने अपने ऑफिस में अब जितने भी नए लैपटॉप पीसीज करे हैं उन सब के अंदर या तो वो मैकबुक एयर हैं आपके, या फिर मैक मिनी लिया है जिसके अंदर M1 चिप है। पहले हम कस्टम पीसी बनाया करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती थी, अब देखा कि यार वही सेम आपकी एडिटिंग अगर आप एप्पल के सॉफ्टवेयर पे करते हैं जैसे फाइनल कट प्रो या फिर इनबिल्ट जो iMovie आता है, तो बहुत फास्ट आपकी रेंडरिंग हो रही होती है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं। अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है तो भी आप इस लैपटॉप को रेफर कर सकते हैं। इनफैक्ट कल को आपका प्लेसमेंट लगता है तो जो कंपनी मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास जो लैपटॉप है वो मैकबुक एयर है, तो कोडिंग के लिए आपको दो बार नहीं सोचना कि इसको मैं लूँ नहीं लूँ। अगर आपका बजट है इतना तो आप इसको यार ज़रूर लें, हाईली रिकमेंडेड है। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यार गेमिंग करना चाहते हैं, एक्सटेंसिवली गेमिंग करना चाहते हैं, या फिर आपका काम विंडोज स्पेसिफिक एप्स पे चलता है कि यार मैक पे तो काम ही नहीं चलेगा, मेरे को तो ऐसे ऐप्स यूज करने हैं जो कि सिर्फ विंडोज पे चलते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप अपना विंडोज गेमिंग या विंडोज की अल्ट्रा बुक, बाकी मैं फिर से रिपीट करूंगा विंडोज की ये जो 3 अल्ट्रा बुक हैं, डेल XPS, HP स्पेक्टर, रेजर बुक, ये बहुत शानदार हैं पर बहुत एक्सपेंसिव हैं एज कंपेयर टू अगर हम मैक देखें, और जो मैक की परफॉर्मेंस है वो बहुत 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 बेटर है एज कम्पेयर टू दिस अगर हम ROI देखें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब M1 की यार कुछ खास बातें हैं, सबसे बढ़िया डिस्प्ले है इसका, सबसे बढ़िया स्पीकर है, ट्रैक पैड तो बहुत ही शानदार है, आप एप्पल के ट्रैक पैड जब यूज़ कर लेंगे आप वापस किसी और ब्रांड पर स्विच होंगे आपको लगेगा कि अरे यार बहुत डिफरेंस है, एप्पल के काफ़ी बेटर हैं। कीबोर्ड से यार मुझे पर्सनली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पर वो भी ठीक है, आपकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आप चाहे उसे खोलें यूज़ करें आपको एक प्रीमियमनेस फील होगी। M1 चिप है यार, काफ़ी फास्ट है, कोई फैन वैन का यूज़ नहीं होता, तो बैटरी भी काफ़ी यूज़ होती है इसके अंदर, एक्सट्रीमली गुड फॉर एडिटिंग अगर आप फाइनल कट प्रो या डाविंची रिजॉल्व जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ या iMovie का आप इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन में आप अपना लॉजिक प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी लाइफ इनसेन, काफ़ी बढ़िया बैटरी लाइफ है यार इसके, दो ही कौन सा आप बोल सकते हो, एक तो यार सिर्फ टाइप सी पोर्ट है इसके अंदर वो भी मात्र दो, तो USB A, SSD कार्ड रीडर, ethernet वगैरह ये सारे आपको नहीं मिल रहे होंगे, साथ में आपकी जो RAM और स्टोरेज है उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, तो मेजॉरिटी बच्चों के लिए तो यार इसमें 8GB का RAM जो बेसिक मॉडल आता है वो काफ़ी सही है, पर आपको यूँ है कि नहीं भी मेरे को एडिटिंग वगैरह ये ज़्यादा करनी है, मैं बहुत मल्टीपल यूजेज करने वाला हूँ, और आप अपना बजट 10-15,000 बढ़ा सकते हैं, तो आप 16GB RAM के लिए यार जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर यार आप वो व्यक्ति हो जिसको विंडोज़ के अंदर ही गेमिंग करनी है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये 3 लैपटॉप हमने यार आप लोगों के लिए छाटे हैं, आप चाहें तो इनको यार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं मोटा मोटा बता देता हूं जो हमारे बेस्ट आपकी है। ऐसे उसका यार आपका रोग है और जेफरस इसको बोलते हैं, 14 इंच का आपका यार इसमें डिस्प्ले है, राइजन 9 प्रोसेसर है इसके अंदर, RTX 360, 6GB का ग्राफिक कार्ड है, 16GB रैम है, 1TB SSD है, मतलब बहुत ही शानदार जनाब आपको इसके अंदर स्पेक्स आपको मिल रखे हैं, गेमिंग यार आपका बहुत शानदार, पर बजट भी बहुत ही शानदार 1,57,000, इतने में करीबन 2 आपके मैकबुक एयर आ जाएंगे। पर अगर आपका है यार कि मुझे गेमिंग ही करनी है तो फिर यार आपका ये दूसरा, अगर हम देखें यार ये 1,00,000 की रेंज में, फिर आपका ASUS ROG का Zephyrus है दोबारा, इसके अंदर यार आपका Ryzen का 9 ऑक्टा कोर है, वही 16GB 512GB SSD आपको मिल रही होगी, 6GB का यार आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा होगा, और जो प्रोसेसर है वो GTX 1660 Ti आपको यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोसेसर तो वो RTX का 3060 है, तो ये एक छोटा सा यार यहाँ पे डिफरेंस है। अगर गेमिंग अल्ट्रा बुक्स आपको चाहिए, मतलब पतले भी हों और गेमिंग भी, तो यार अब आपको बजट थोड़ा और इंक्रीज थोड़ा करना पड़ेगा 1,00,000 के ऊपर, तो इसके अंदर यार आपका ASUS का ROG है, फिर से Ryzen 7
ऑक्टा कोर है यार, दोबारा 16 GB 512 GB SSD, स्पेक्स काफी अच्छे हैं, 4 GB ग्राफिक कार्ड और थोड़े पतले होंगे ये, ठीक है। तो 13.4 इंच का डिस्प्ले है, उतने हैवी आपको फील नहीं हो रहे होंगे यहाँ पे। और साथ में यार आपको यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिल रहा है, तो गेमिंग लैपटॉप भी है, अल्ट्रा बुक भी है, टच स्क्रीन भी है, ऑल इन वन पैकेज है। तो आपको यार 1 लाख के ऊपर का इसका बजट गया, काफी एक्सपेंसिव मैं बोलूंगा 1 लाख के ऊपर का लैपटॉप एज अ स्टूडेंट तो यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने लग जाता है, ठीक है। आप जॉब करते हैं तब ठीक है, इतना नहीं फील होता, पर एज अ स्टूडेंट तो दोबारा यार अगर हम देखें ऐसे उसका रॉग है ये राइजन 9 ऑक्टा कोर 16 GB 1 TB SSD आपको दे रखी है। सारे की सारी यार मैं इनफैक्ट पूरी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रहा। आई होप यार इस वीडियो के थ्रू हम कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए हों, और फिर से सॉरी बोलूंगा यार अगर कोई लैपटॉप हमसे मिस हो गया हो तो धन्यवाद इतने देर तक हमें यार देखने के लिए, और आई होप यार हमने कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए किया हो। अब शायद आप बेटर तरीके से देख पाए, पर फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, आपका बजट 75,000 के ऊपर जाना है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप सिर्फ मैकबुक एयर के साथ जाएं, M1 चिप जिसके अंदर है, इंटेल वाले नहीं, काफ़ी बेटर यार आपको परफॉर्मेंस मिल रही होगी, बैटरी लाइफ, वेट, बिल्ड क्वालिटी बहुत सारा अच्छा है। अगर आपको गेमिंग के अंदर ही जाना है तो मैंने यार आपको यहाँ बता रखे हैं, आपका बजट लो है तो बिल्कुल भी दिल मत छोटा करना, सपने बड़े रखना। और मैं इतने सारे अपने बैचमेट्स, इतने सारे बच्चों को जानता हूँ, लैपटॉप से यार कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी लोड लेट होंगी, हो सकता है थोड़ा फ़ैन ज़्यादा चले, पर अगर आप वो व्यक्ति हो जो कोडिंग के डोमेन में अपना करियर बनाना चाहता है तो वहाँ पर यार इतनी ज़्यादा रुकावट नहीं आ रही होगी आपके बजट से। तो तब तक के लिए जनाब चलते हैं, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए जनाब माफ करना। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।